ये फ्रेंड्स एंड फॉलोवर्स, वेलकम बैक दोस्तों। एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपका। उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल पे पढ़ा है, तो मैं इस वीडियो में दो बातें आपसे करने वाला हूँ। एक तो है कोविड के रिलेटेड में और दूसरा है ड्रॉ के रिलेटेड में। जैसे कि मेरे पास जो है कल काफी सारे क्वेश्चन आए थे, और पिछले काफी दिनों से जो है जब से ये जो ड्रॉ है टला है, पोस्टपोन हुआ है, तब से काफी सारे जो है क्वेश्चन आ रहे हैं मेरे पास, तो मैं उनका जो है जवाब दूंगा इस वीडियो में। सबसे पहले मैं कोविड की बात कर लेता हूँ। तो देखिए, कोविड की अपडेट ये है कि येड़ा ने अब जो है जो सेक्टर 18 और 20 में जो है दो नए हॉस्पिटल बनाने की जो है टेंडर कह सकते हैं निकाले हैं या इन्विटेशन दिया है जो वेल नोन हॉस्पिटल ग्रुप्स हैं उनको, ताकि जो है उस आसपास के एरिया में जो है जो कोविड से परेशान हैं लोग, जिनकी जो है हालत ज़्यादा ख़राब है, उनको ज़्यादा दूर जाना पड़ता है, जैसे दिल्ली या फिर नोएडा कहीं आसपास के इलाकों में जाना पड़ता है। बेसिकली मैं जेवर की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पर सुविधाएं देने के लिए जो है येड़ा ने ये कदम उठाया है, और वहाँ के जो MLA हैं, जो विधायक हैं धीरेंद्र सिंह जी, वो उन्होंने भी जो है इसमें इसका साथ दिया है। तो देखिए, वहाँ पर सेक्टर 18 में एक हॉस्पिटल बनने वाला है और सेक्टर 20 में एक हॉस्पिटल बनने वाला है। इन दोनों का फायदा भी जो है जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिन लोगों ने फॉर्म भरा है, उनको भी इससे फायदा मिलेगा। क्योंकि अभी तो हो सकता है कि ये जो हॉस्पिटल हैं टेम्प्रोरी बनाए जाएं, लेकिन बाद में इनको ही परमानेंट कर दिया जाएगा। तो इसके लिए जो है येड़ा ने इन्विटेशन दिया है हॉस्पिटल्स को, उसमें से दो हॉस्पिटल जो है आगे आए हैं। क्योंकि देखिए, इसमें शर्त रखी गई थी कि जो भी हॉस्पिटल ग्रुप जो है ये हॉस्पिटल 8 से 10 महीने के अंदर जो है संचालित कर देगा, यानी कि उसको स्टार्ट कर देगा बना करके, सारी सुविधाएं मुहैया कराने के बाद उसको जो है जमीन अलॉट कर दी जाएगी। तो ऐसे दो हॉस्पिटल सामने आए हैं, तो उन्होंने जो है इसकी हामी भरी है। अभी और देखते हैं कि शायद और कोई भी हॉस्पिटल इसमें जो है आगे आ जाए। देखिए, इन हॉस्पिटल में देखिए, एक तो कंसंट्रेटर लगाए जाएंगे ऑक्सीजन के, 100-100 बेड के दोनों हॉस्पिटल होंगे इसमें, और जो है आपके 24 घंटे इसमें जो है डॉक्टर तैनात होंगे। ये जो हॉस्पिटल होंगे ये खासतौर से जो है कोविड के लिए ही डेडिकेटेड कर दिए जाएंगे, मेरे को ऐसा लगता है। लेकिन आने वाले टाइम में बाद में इनको नॉर्मल कर दिया जाएगा। अब मैं बात कर लेता हूँ एम्बुलेंस सर्विस की। तो येड़ा जो है अभी जो वहाँ के जो CEO हैं डॉक्टर अरुण वीर सिंह जी, वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। तो देखिए, उन्होंने दो एम्बुलेंस जो है किराए पर लेने की बात कही है, ताकि वो जो है सेक्टर 18 जहाँ पर मिर्जापुर गांव है जो कि सेक्टर 18 में पड़ता है, वहाँ पर जो है रिफिलिंग सेंटर बनाया हुआ है, वहाँ पर वो एम्बुलेंस खड़ी रहेंगी और वहाँ के आसपास के लोग जो है फ्री में उस एम्बुलेंस का जो है फायदा ले सकेंगे इन द टाइम ऑफ इमरजेंसी। देन वहाँ पर जो है नंबर दे दिए जाएंगे आपको, आप उन पर कॉल करिएगा, और कॉल करने के बाद में आपको जो है उसकी सर्विस मिल जाएगी। एम्बुलेंस के बाद में आ जाती है बारी डॉक्टरों की। तो देखिए, येड़ा ने एक और प्लानिंग की है कि वो जो है तीन जो सेवानिवृत्त डॉक्टर हो चुके हैं, जो अधिकारी थे, उनको जो है इसमें लाया जाएगा, और जो कि कंसल्टेशन दे सकेंगे लोगों को फ़ोन पर, वो खाली ऑनलाइन रहेंगे फ़ोन पर, और किसी भी तरीके की दिक्कत होने के टाइम पर वो उनसे परामर्श कर सकते हैं। तो ये जो है अगले हफ्ते से दोनों सर्विस चालू हो जाएंगी, एम्बुलेंस की और डॉक्टर वाली। तीसरी मैं बात कर लेता हूँ, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, जेवर में जो कानीगढ़ी है वहाँ पर जो स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र है, उसमें जो है कोविड सेंटर बना दिया गया है, उसको जो है तैयार किया गया है पिछले कुछ दिनों में। बाहर से जो कंसंट्रेटर आए थे 60, वो वहाँ पर लगा दिए गए हैं। 100 बेड का अस्पताल है, जिसमें से देखिए 80 पे जो है ऑक्सीजन लगी हुई है, बाकी 20 जो है नॉर्मल बेड हैं। तो वहाँ पर 24 घंटे डॉक्टर हैं, रात में जो है 2 डॉक्टर और 4 नर्सें होती हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर आप अगर किसी को भी कोई दिक्कत आती है तो वहाँ पर जा करके अपना बेड जो है ले सकते हैं, अपना इलाज वहाँ पर करा सकते हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ ड्रॉ की। तो देखिए, ड्रॉ के बारे में मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जहाँ तक मुझे खबर लगी है, अभी ये अनऑफिशियल मैं आपको बता रहा हूँ, ऑफिशियली नहीं है ये, बाद में मेरे को आप दोष ना दीजिएगा। अभी जो है काम चल रहा है ड्रॉ की, जो तैयारियाँ की जा रही हैं, और जहाँ तक मुझे पता लगा है, जैसे कि मैंने कमेंट में भी आपको बताया है, नेक्स्ट मंथ यानी कि जून के अंदर में, यानी जुलाई के फर्स्ट वीक में जो है ड्रॉ को कराया जा सकता है। और मैं अच्छे की उम्मीद कर रहा हूँ कि हाँ, जुलाई के जो है फर्स्ट वीक में ड्रॉ हो सकता है, और हो जाए तो काफ़ी अच्छा होगा इसकी। लेकिन अभी तक कोई पुष्टि नहीं है, खाली इंटरनली जो बात चल रही है, प्लानिंग चल रही है, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। अगर सब अच्छा रहा तो भगवान की इच्छा से ये जो है जुलाई के फर्स्ट वीक में हो जाएगा, और हम सबको जो है प्लॉट मिल जाएगा। बाकी एक मेरे पास क्वेश्चन आ रहे थे, और प्रॉपर्टीज जैसे आपके नोएडा में है, ग्रेटर नोएडा में है प्रॉपर्टीज, उनके बारे में। तो देखिए, उसके बारे में मैं डिटेल वीडियो में बाद में बनाऊंगा लॉकडाउन खुलने के बाद में। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको ये साफ कर देना चाहता हूँ कि जो मैंने कल वीडियो बनाई थी ग्रेनो के ऊपर में, जो नई स्कीम आने वाली है वो थोड़ी सी महंगी होगी येड़ा के रिगार्डिंग में। येड़ा जो है अभी डेवलप उतना डेवलप नहीं है, तो वहाँ पर सस्ते रेट में आपको प्लॉट मिल जाएंगे।
जबकि आपको ग्रेटर नोएडा में आपको इतने से सस्ते प्लॉट में देखने को नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों ये तो थी अपडेट कोविड की और ड्रो की, तो बने रहिएगा मेरे साथ में, फिर नई अपडेट लेके आता हूँ प्रॉपर्टीज से रिगार्डिंग। और भी चीजें हैं मेरे चैनल पे, वो आप देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे, और प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर करें, क्योंकि देखिए आपके कमेंट से ही हम लोगों को जो है सहारा मिलता है और एक दूसरे की हेल्प होती है। अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आपको जो है नीचे मैं लिंक दे देता हूँ, वहां पर आप जाकर के उसको ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर अपनी कन्वर्सेशन चालू रख सकते हैं।